भी बरामद। बिहानी और मोहाली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में और एडिशनल एसपी साहब के निर्देशन में एक 25,000 का इनामिया गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम रत्नेश है और जो बिहानी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये एक डकैती के मुकदमे में पिछले कई महीनों से बातचीत चल रहा था। इसके और इसके साथियों ने मिलकर के डकैती की घटना को अंजाम दिया था, जिसका मुकदमा बघौली में लिखा गया था। इसके बाकी साथी पहले गिरफ्तार हो चुके थे, बस ये एक बचा हुआ था जिसको गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगाई गई थी और अंततः आज ही गिरफ्तार हुआ है। इस अपराधी के ऊपर 7 मुकदमे पहले से हैं, जिसमें हत्या, एक शाहजहाँपुर की हत्या है और 307 और 25 के क्रिमिनल मुकदमे हैं। इससे पूछताछ करके अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। क्या सर, कैसे इसे गिरफ्तार किया गया, मुठभेड़ वगैरह? मुखबिर की सूचना पर पता चला कि ये अभी त्यौहार के टाइम पे ये घर पे आने की संभावना हो सकती है। इस पे पूरे मामले की रेकी की गई और सूचना एकत्र करके इसको घटनास्थल गिरफ्तार किया गया। असलाह वगैरह इसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है, 315।